फोटो रखी है, एक 11 महीने अस्पताल में पड़ा हुआ कोमा वाला दृश्य और बगल में ब्रॉन्ज मेडल का सम्मान प्राप्त करता हुआ, और फिर आगे उसने लिखा है धन्यवाद जिंदगी। कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा कि हाथ पैर टूट चुके हैं, कोमा में चला गया इंसान है, परिवार भी, अब तो परिवार भी कहता होगा भाई बहुत हो गया, खेल लिया ठीक हो गया, अब मत जा, लेकिन चला गया, इससे करोड़ों का सम्मान प्राप्त कर चुका है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को, उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा, दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है, दिमाग में ये भर दीजिए आपकी आपके एग्जाम ले रहा, आप ही अपना भविष्य तय करोगे। और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला, वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे। मैं अपने हौसले को लेकर के चलता हूं ना, इस भाव के साथ रहेंगे, आप देखिए और जीवन में सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आपको विश्वास न हो तो आप कुछ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया आपने और देश के सिर पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, 100 के करीब भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा करीब करीब डायलेक्ट्स हैं, इतनी